जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं ब्लू ओशन स्ट्रेटजिक एडवाइजर्स के आशीष माहेश्वरी। आशीष जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है टीनो स्वदेश पर। आशीष जी, दो सत्र से लगातार हमने 6 दिनों की तेजी देखी, 2 दिन से बाजार का मूड थोड़ा सा कमजोर है। ये बताइए कि ये जो ठहराव है, क्या ये बाइंग का मौका है? अगर कोई पीछे छूट गया था, लेफ्ट आउट फील कर रहा था, अब कुछ फोकस करके स्टॉक पिकिंग करने का मौका दे रहा है बाजार ये? इनफेक्ट हर महीने ऐसा मौका आता है कि जब लगता है कि बस ये रैली ओवर हो गया है और बड़ा करेक्शन आएगा, और वहीं से मार्केट हमेशा बाउंस बैक होता है। और मेरा मानना है अभी 6 दिन का हमने एक रैली ऑलरेडी बाजारों में देखा है, और 3 महीने में करीब 10% बाजार अप ऑलरेडी हो चुका है, जो एक अच्छा वर्टिकल राइज है। तो बिल्कुल इस टाइप से थोड़ा सा मुनाफा वसूली की PSU सेक्टर से निकल के जहाँ पे थोड़ा अंडर वैल्यूड सेक्टर है वहां पर हमेशा बाइंग ऐसा पहले भी होता रहा और आगे भी होता रहेगा, क्योंकि जहाँ वैल्यूएशन स्ट्रेस्ड हो जाते हैं वहां से फंड्स निकल के जहाँ अंडर वैल्यूड स्टॉक्स है या सेक्टर है वहां निवेश करते हैं। तो सेक्टोरल थोड़ा चर्निंग हो रहा है, और मेरा मानना है बाजारों के लिए कनेक्शन हेल्दी है, क्योंकि यदि वर्टिकल बाजार काफी दिन तक बढ़ता है तो उतना ही बड़ा हमें हमेशा फॉल देखने को मिलता है, क्योंकि निवेशक थोड़ा सा मुनाफा वसूली ज्यादा करते हैं उस समय। तो मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन के बाद बाजारों में दोबारा से आप ग्रीन कलर देखेंगे, तो मेरी स्टैगर्ड वे में थोड़ा सा बाजारों में दोबारा बाइंग करने की सलाह रहेगी। CCL प्रोडक्ट्स की बात कर रहे थे आशीष जी, कंपनी आपको कैसी लगती है CCL प्रोडक्ट्स, और इस भाव पर क्या निवेश के लिए ठीक है, या फिर जिन निवेशकों के पास है वो क्या करें, निवेशित रहें इसमें? देखिए, देखा जाए तो मार्केट के जो दूसरे FMCG प्लेयर्स हैं उसके कंपैरिजन में काफी अंडर परफॉर्मेंस दिया है CCL प्रोडक्ट्स ने। जब लास्ट 1 साल का भी प्राइस परफॉर्मेंस देखें तो 15-16% का ही रिटर्न आया है। अब रीजन ये है कि जो उनका परफॉर्मेंस है वो काफी स्टैटिक है। यदि आप क्वार्टर ओवर क्वार्टर देखें तो 60 से 65 करोड़ का क्वार्टर वो करते रहे इस पूरे साल में, और अभी जो मार्केट कैप है 8,000 करोड़ से ज्यादा का है, तो ऑलरेडी प्राइज्ड इन है उनकी जो भी अर्निंग्स है। और मुझे लगता है कि जरूर कॉफी के प्राइसेस 15 साल के अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गए, पर चूंकि वो कॉस्ट प्लस बेसिस पर काम करते हैं, क्योंकि बहुत बड़े प्राइवेट लेबलिंग के प्लेयर हैं CCL प्रोडक्ट्स, तो जो कॉफी के प्राइसेस की अपसाइड है उसका उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। तो इसलिए मार्केट ऐसे स्टॉक को नजरअंदाज करते हुए भी टाटा कंज्यूमर की तरफ ज्यादा बुलिश है या कॉफी डे प्रोडक्ट्स की तरफ देख रहे हैं, बाकी CCL प्रोडक्ट्स के लिए तो मेरी अभी भी स्टॉक को अवॉइड करने की सलाह रहेगी। मुझे लगता है 600 रुपए के आसपास शायद वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। ठीक है, 600 रुपए के पास थोड़ा सा आकर्षक होगा, अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन अभी फिलहाल इसको अवॉइड करने की सलाह है। आशीष जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए स्टॉक्स पर और बाजार पर।